आदाब दोस्तों, देश में बढ़ती हिंसा, सुनियोजित तरीके से लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता का वीडियो आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर संसद भवन के बाहर लोग घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। यह पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसा कि आप जानते हैं, देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर काम करने की बजाय मोदी सरकार देश में नफरत फैला रही है, हिंसा भड़का रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के नेताओं ने लगाते हुए संसद भवन का घेराव किया है। किस तरह से, पहले आप स्क्रीन के ऊपर ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, ये वीडियो दिल्ली के अंदर संसद भवन के बाहर का है। यहां पर मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया और इसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया है, भारत पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, भाजपा प्रायोजित नफरत और हिंसा की आग, कमर तोड़ महंगाई और ऐतिहासिक बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का संसद घेराव। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके युवा जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ संसद भवन का घेराव करने के लिए हजारों युवा कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर गए और उनका सीधा यह आरोप है कि मोदी सरकार जो है सुनियोजित तरीके से देश में नफरत फैला रही है, हिंसा भड़का रही है, साथ ही साथ महंगाई बेरोजगारी पर जनता को इग्नोर कर रही है। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के सड़कों पर युवा कांग्रेस के ये नेता उतर गए हैं। अब आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।